हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सस्ता उपाय आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही यूनिक उपाय है जिससे आप अपने स्किन के कालेपन को मिनटों में साफ कर सकते हैं। आज के इस घरेलू नुस्खे में हम कोलगेट का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते ही हैं, कोलगेट हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये हमारे दांतों को चमकाने के साथ साथ ये हमारे स्किन के कालेपन को जड़ से ख़त्म कर सकती है, मिनटों में साफ कर सकती है। कोलगेट के साथ आपको यूज़ करना है लेमन यानी कि नींबू। आपके स्किन का कैसा भी कालापन हो, कितनी भी पुरानी मैल या गंदगी जमी हुई हो, या फिर आपके स्किन पर टैनिंग हो गई हो, आप इस घरेलू तरीके को इस्तेमाल करके देखिए। आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको इसके बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ आपको ये कालेपन को किस तरीके से रिमूव करेगा। सबसे पहले आप नींबू को इस तरीके से दो भागों में काट लीजिए। अब आपको यूज करना है थोड़ा सा कोलगेट। आपको इस तरीके से कोलगेट को जहां पर भी आपका कालापन है इस तरीके से लगा लेना है। अब लेमन की हेल्प से आपको इस तरीके से इसे अच्छे से रब करना है, ताकि जितनी भी गंदगी मैल और कालापन है आपको अच्छे से रिमूव हो जाए। आपको इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक ऐसे रब करना है। अब आपको इसको साफ कपड़े से क्लीन कर लेना है या वॉश कर लेना है। आप फर्क देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जितना भी कालापन था वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। आप इसे बॉडी पर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका घुटना हो, गर्दन हो, चाहे कोहनी हो, या फिर हाथ पैरों पर जमी गंदगी और मैल हो, आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी कोहनी पर यूज़ करके बताती हूँ। इस तरीके से आपको रब करते जाना है। लेमन से कितनी पुरानी गंदगी हो, मैल हो या कालापन हो, इससे सारा क्लीन हो जाता है, अच्छे से साफ हो जाता है। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से साफ हो चुका है, मैल और कालापन बिल्कुल दूर हो चुका है। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आप अपने हाथों पर, पैरों पर, जहाँ पर भी आपका कालापन है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही कम समय में इस्तेमाल होने वाली रेमेडी है। तो दोस्तों, आप इस रेमेडी को यूज़ करिए। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया उपाय है। आप इस रेमेडी को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। तो आप इस रेमेडी को यूज़ करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फ़ायदा उठा सकें। अब आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी ही घरेलू और नेचुरल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।